बुधनी के रेहटी तहसील के ग्राम दिगवाड़ से 3 से 4 जनवरी की दरमियानी रात को अचानक गायब हुई 75 वर्षीय बलियाबाई पति हजारीलाल यदुवंशी की हत्या उनकी बहन का पोता ही निकला। जेवरों के लालच में बहन के पोते धर्मेंद्र यदुवंशी निवासी बड़ी बावरी शिवपुर ने अपने गांव के ही दिलीप यदुवंशी उर्फ भूरा उम्र 20 वर्ष नीलेश यदुवंशी उम्र 27 वर्ष के साथ मिलकर 75 वर्षीय बलियाबाई यदुवंशी को रात में घर से उठाया था। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि दिगवाड़ निवासी बुजुर्ग महिला के घर से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद टीमें बनाकर मामले की गहन जांच पड़ताल की। इसमें सामने आया कि बुजुर्ग महिला को घर से उठाकर कुछ लोग बावरी नर्मदा नदी की तरफ ले गए। इसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा लगातार नर्मदा नदी के किनारे एवं नदी में वृद्ध महिला की खोज भी की गई। इस दौरान बुजुर्ग महिला बलियाबाई का शव नर्मदा नदी में पाया गया। शव को हैंगर में रस्सी से बांधकर बीच नर्मदा नदी में छोड़ा गया था ताकि शव बाहर ना आ सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना से एक दिन पहले बुजुर्ग महिला अपने भतीजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव डिमावर गई थी। वहीं पर उनकी बहन ललताबाई का पोता आरोपी धर्मेंद्र यादव मिला था। उसके अगले दिन वह बुजुर्ग महिला के गाँव दिगवाड़ भी आया था। यहां पर उसने रेकी की और फिर अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। थाना रेकी ग्राम दिगवाड़ से वृद्ध महिला के घर से लापता होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दी गई थी, जिस पर सबूत निशान कायम किया गया था। परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उन्होंने काफ़ी चांदी का जेवर पहना हुआ था, कुछ सोने का भी मंगलसूत्र पहना हुआ था, जिसके लालच में भी महिला के साथ कोई वारदात घटित हो सकती है। इस पर से तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल भ्रमण किया और जो भी अगल बगल के कैमरा वगैरह थे उनसे फुटेज प्राप्त किया। निकटवर्ती फुटेज से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ लोग घर में घुसे हैं और वृद्ध महिला को लेकर अपने साथ में चले गए हैं। इसके बाद विभिन्न दिशाओं में पुलिस टीमें रवाना की गई, मुखबिरों को तैनात किया गया। ये हमें सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी बाबरी की तरफ खदान वाले क्षेत्र में मोटरसाइकिल के द्वारा मृतका को लेकर 3 लोग उस तरफ गए हैं। लगातार पुलिस टीमें सर्चिंग कर रही थी, गोताखोरों को बुलवाकर नदी किनारे जहाँ पे जाने की प्रमाण प्राप्त हुए थे, कुछ वहाँ पे रक्त के छींटे भी प्राप्त हुए थे, इस पर से गोताखोरों को बुलवाया गया। नदी में भी सर्चिंग करवाई गई। 2-3 दिन सर्चिंग के बाद जो मृतका का शव है वो नदी से बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद ये पता चला कि जो मृतका को हत्या करके उसके पैरों में जो चांदी के कड़े थे उनको नृशंसतापूर्वक पैरों को फावड़े से उछल कर उनको अलग करके निकाले गए और शव को नाव के जो लंगर है एंकर उसके रस्से से बांधकर एंकर सहित गहरे पानी में मध्य में जाके छोड़ दिया गया, जिससे कि वो बाहर ना आ सके और हत्या के सबूत नहीं दब जाए। तत्काल जो संबंधित सभी साक्ष्य थे उनका संकलन करके हमारे के हिसाब से उनका अध्ययन किया गया और मुखबिरों से भी पूछताछ की गई। उसके बाद हमको ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतका घटना से कुछ दिन पूर्व हिमावर गई थी किसी सामूहिक कार्यक्रम में। वहाँ पर उसके ही पोते ने, उसकी बहन के सगे पोते ने उसको देखा था। जेवर काफ़ी होने से जो चांदी के जेवर थे उसकी नीयत खराब हुई थी। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर ये योजना बना रखी थी। घटना दिनांक से एक दिन पूर्व भी ये जो पोता है ये धर्मेंद्र ये के घर गया था। और सीहोर से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।